गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा तो हाल आप सब देख ही सकते हो, मतलब चेहरे पे हंसी है तो ऑफ कोर्स ही बात है। आज मैं बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ, अंदर से भी बाहर से भी आज। क्योंकि कल रात को पता है क्या हुआ, कल रात को मेरे घर पर तीन चार लेडीज़ आई। वो बोले कि माता रानी कुछ भी खा सकते हैं। तो आ जाओ बाबू, अंदर आ जाओ, आ जाओ। तो बोले कि माता रानी कुछ भी खा सकते हैं। तो अभी इस समय बज रहे हैं 4। तो मैंने सुबह सुबह मम्मी से मैक्रोनी बनवा ली, मतलब प्याज नहीं खा सकते बट कुछ भी खा सकते हैं, जो आपका मन करे, जो माता रानी का मन करेगा मम्मी वो मुझे देंगी। तो मतलब मैं पहले खिचड़ी और इन सब पे रह रहा था, और पहले तो मेरा होट अंदर से कटा भी हुआ था बट अब सॉर्टेड है और सही है यार। मतलब अंदर से अलग सी एनर्जी सी फील होनी शुरू हो गई। जैसे 3-4 दिन से मैं लो एनर्जी फील कर रहा था ना, बट अब अंदर से सॉर्टेड हो गया, अब मज़ा आ रहा है। मज़ा तो क्या है, मतलब सही है। आज थोड़ा सा वाइब्स भी अच्छी आ रही हैं, और ये शायद रेड धागे की वजह से है, मे भी हो सकता है। क्योंकि कल तक जो है मैंने ना ये ब्लैक वाला पहना हुआ था, ब्लैक कलर का धागा। कल कोई आए, जो मैं बता रहा हूँ, जो लेडीज़ आई हैं उनके, उन्होंने बताया कि माता जी जो हैं वो हंसती खेलती आई हुई हैं, अभी अच्छे से निकली हुई हैं। और अच्छा है निकलना, और सही है, और क्या बोलते हैं, मतलब अच्छे से निकलना मतलब कि सही निकली हुई हैं जो है ना, इसे जो जो ये है डॉट्स हैं, ये जो मैंने पिछली वीडियो में जो मैंने वर्ड्स यूज़ करे हैं इसके लिए, तो मेरे जो बड़े हैं उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो उसके लिए तो मैं माता जी से सॉरी मांग ही चुका हूँ, बट मैं दोबारा यूज़ नहीं करना चाहूँगा वो वाले वर्ड्स। तो तुम समझ रहे हो ना, अगर तुम्हें पता है कि क्या है तो तुम समझ जाओ। तो बस यही कह रहा था कि मैं बस ये पहले ये रेड धागा अब कल ही बांधा मैंने, और ये कौन सा धागा है तुम देख रहे हो, ये मम्मी मेरी जो सिलाई करती है ना, ये वो धागा है। पहले ब्लैक भी वही बांधा हुआ था, अब भी वही बार बांधा हुआ है। इसको थोड़ा सा 4-5 बार रोल करके तो वो बांधा, मोली थी नहीं तो ये बांध दिया। तो मैं तो अभी अच्छा फील कर रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि 3 से 4 दिन में बिल्कुल ओके भी हो जाऊँगा। क्योंकि अभी मतलब वैसी वाली, जिसमें अभी थोड़ी देर पहले मैं सुबह सुबह मैंने माता की भजन चलाए, तो उसमें भी अच्छी एनर्जीज मेरे को फील हो रही थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने अपना नया मेन स्पीकर लिया है, ठीक है, ये अभी निकाल के मैं रखा हुआ उधर साइड में उधर। तो अच्छे से मैं और भी सॉन्ग सुने मैंने, फिर मेरे को अलग अलग मेरे को वाइब्स आने शुरू हो गई। फिर मैंने डांस भी करा, मतलब डांस नहीं है, हाथ उस हिला के, पैर से नहीं करा, पैर में तो मेरे अभी भी मैं एक हाथ से लंगड़ा के चल रहा हूँ, क्योंकि पैर में भी जो पैर की तली ना, जैसे जैसे ये हाथ है, जैसे हाथ पे देखो इधर बीच में है ना, बीच में डॉट दिख रहा है, वैसे वैसे पैर में भी 4-5 हो गए हैं एक ही में ही, लेफ्ट वाले में। तो उसमें से उस वजह से मेरे को लंगड़ा के चलना पड़ रहा है। जब चल रहा हूँ ना सीधा सीधा, खड़े होते टाइम भी मेरे को दर्द हो रहा था, तो इस वजह से मैं तो बस बैठे बैठे भी डांस तो हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बाकी सॉर्टेड है। और कमेंट में थोड़ा बहुत हाल चाल तुम भी अपने बता दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी बताने आ रहा हूँ अभी मेरा क्या हाल चाल है। ये गाइस, ये मेरे रूम में रखा हुआ है ताकि थोड़ी खुशबू रहे इधर, माता जी को बस पसंद होती है खुशबू। और ये मेरे नीचे इधर मेरे, ये मेरा बेड है इधर, यहाँ पे मैं सोता हूँ क्योंकि चार्जिंग यहाँ पे लगा हुआ है इधर। और यहाँ पर ये नीम के पत्ते यहाँ पर रखे हुए हैं, ये शुभ माना जाता है इसलिए। और ये कढ़ाई तो ऐसी रखी हुई है और ये मेरा बहुत साथ दे रही है गाइस, इसमें गर्म पानी करा था मैंने सुबह सुबह, वैसे रात को भी करा था, तो सुबह सुबह करा था, तो अभी ख़त्म हो गई है, भरवा के लाता हूँ मम्मी से दोबारा। तो यही गर्म अपना चला देती है 4-5 घंटे अगर सही पीता रहूँ तो। बाकी ये बढ़िया चीज़ है, अगर आप किसी को भी चाहिए हो तो मेरे पास पड़ी है ये, मैं बेचता भी हूँ।
हर जगह अपनी एडवर्टाइजिंग करनी जरूरी है। अपने लिए आया है बाहर से, जो मम्मी ने अपनी ये अपनी अपनी फ्रेंड से मंगवाया है। और इसमें है मिर्ची से आई हुई चाउमीन, और ये गोलगप्पे मैंने मंगवाए थे अक्षय से, कहीं और के अक्षय, कहीं दूर जाना ना पड़े इसलिए पड़ोसी से उठा के ले आया, जो कि मैं खाने नहीं वाला हूँ अब। गोलगप्पे तो देखो ठीक ही होते हैं लेकिन पानी अच्छा नहीं होता। और ये प्याज आ गए इसके अंदर यार, ये तो मैंने बिना प्याज की बनवाई है, बट यार इसको बोला भी था मैंने बिना प्याज के लेके आई, और भी प्याज दिलवा लाया। और ये मम्मी ने दूध बना करके रखा था केसर वाला, जो कि मुझे पीना है अभी, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा केसर मिला के इससे मेरे जो ये हैं माता ज़्यादा जल्दी निकल आएंगी, जो भी बची हुई हैं अंदर से। अभी नया तकिया निकाल के लाया हूँ स्लीप वेल का, अब सोर्टेड रहेगा सीन। अभी भी ऐसे से एक ऐसे ऐसे करके चलना पड़ रहा है, मतलब ये नीचे टिक ही नहीं पा रही। मम्मा अब क्या बोलते हैं, मेरे को तक वो नहीं मिला कवर, आप देख लेना बाद में जब आओगे, अभी मैं ऐसे लगा के सो रहा हूँ, आ जाओ फिर। ये बंद कर दूँ? कौन है? गाइस गुड मॉर्निंग, अगला दिन हो चुका है और मैं ठीक तो हो रहा हूँ, बट मेरी आईज ये वाली बहुत ज़्यादा पेन कर रही है, देख सकते हो आप, ये वाली रेड है और ये वाली वाइट है, और ये यहाँ से बहुत ज़्यादा पेन कर रही है, इधर यहाँ पर एक खुंसी भी निकली हुई है अलग तरह की, और ये पूरा पेन कर रहा है इधर से बहुत ज़्यादा। ये आज की अपडेट, और अभी बज रहे हैं सुबह के, क्या टाइम हो गया मोम? ये गलत है, 6:20 सुबह की, 6:20 हो रही है, और मोम अभी ऑर्डर पैक कर रहे हैं उधर, पापा इधर यहाँ पर हैं, और हमारा डेमू घूमने की फिराक में, गम गुमी जाना है गुमी, अभी डैमन गुमी गुमी जाने के लिए तैयार हो रखा है, इंतज़ार कर रहा है पापा का कब फ्री होएंगे और कब लेकर के जाएंगे। गुमी गुमी जाएगा इधर, क्यों जाना है गुमी गुमी? पोती आई है, चूचू भी आया है, पोती चूचू आया है। बांध दिया मैंने पट्टा और ये कलर लेके चला हूँ डेमो। क्या हुआ? टू 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 है चले, हेलो करो, करे उस हाथ से करो। दोनों हाथ से करो, दोनों हाथ से, दोनों हाथ से, वो वाला हाथ भी लाओ, वो वाला भी दो। ठीक है, मतलब फिर भी खाना अपने को तो मन कर ही नहीं रहा घर का खाना खाने का, कसम से बिना प्याज का है, लेकिन लेकिन घर का खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा। पत्ते दिखा नीचे बैठ के, नीचे जो पत्ते तुम्हारे घर में दिखा यार, वो चीज अलग है, पेड़ रखे यहाँ पे, और ये नीम के पत्ते भी कुछ कुछ दिखा दिखा दिखा, दिखा चुका हूँ मैं यार, तुमने लोग देखा नहीं पहले वाला। अच्छा हाँ चल दोबारा दिखा देता हूँ, क्या पता ना देखा हो कहीं मैंने। ये देख क्या लिखा हुआ, बेला चाओ। ये कौन सी कोक मंगवा ली भाई तुमने? तू तूने पी नहीं वाली? नहीं यार। तूने मनी हीस्ट की कोक नहीं पी? नहीं यार। मनी हीस्ट है ये, और ये कोक नहीं है, ये मनी हीस्ट है, ये कोक ही है, और उसकी वो आ गई मनी हीस्ट है, पेप्सी कहाँ लिखा होगा देख लिया, ले पेप्सी पी यार। ना मैं नहीं पीता हूँ। क्या पीता है? ये पेप्सी आया फ्रेंड्स, और ये है तो ये पी ले, चिल्ले ब्रू, ये लगेगा गन तू, और ये मैं अब कैमरा बंद करने जा रहा हूँ, ले ये खा ले ब्रो, ना मेरे को भूख नहीं है, ले ये खा ले ब्रो। अच्छा 199 में है ये पूरी मील है, 230 में नहीं है भाई, 230 में, 230 एक पिज्जा, मतलब मैनिया पिज्जा है, और प्लस मैनिया नहीं है भाई, रेगुलर चीजी डिलाइट,
चीज़ लाइट पिज़्ज़ा और ये बर्गर साथ में का और पिज़्ज़ा कौन सा ये और बर्गर कौन सा ये चीज़ बर्गर प्लस कोल्ड ड्रिंक 230 में नॉर्मल अपने को पड़ता है अगर ये मैं 50-48 का पड़ता है ये 50 का पड़ता है। गाइस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं एंड आई होप अगर आपको कुछ भी अगर इस ब्लॉग में अच्छा लगा कुछ देख करके कि थोड़ा बहुत इंटरटेन हुए तो लाइक कर देना एंड शेयर करो तो शेयर भी कर देना एंड कमेंट जरूर करना जो भी करना बस करना। बाय बाय।